Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप थ्योरी और ब्लड ग्रुप टेस्ट लगाते किस प्रकार हैं, एक पूरी थ्योरी हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे उसका मैनुअल या प्रैक्टिकल कैसे लगाते हैं, या फिर ग्रुप लगाते कैसे हैं। एबीओ ग्रुपिंग दो टाइप से लगाते हैं, एक होता है सेल ग्रुपिंग, दूसरा होता है सीरम ग्रुपिंग। फर्स्ट हम लगा रहे हैं अभी सेल ग्रुपिंग यानी फॉरवर्ड ग्रुपिंग। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, यहाँ फोकस करो थोड़ा, इस साइड आ जाओ, देख रहे हैं। सबसे पहले एक स्लाइड लेते हैं, इसमें हम ए बी और डी लेबल करके रख लेते हैं, ए बी और डी, इससे भूलने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड सैंपल है, इसका हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। इसमें तीनों जगह वन वन ड्रॉप ब्लड ऐड करेंगे, वन ड्रॉप इधर, वन ड्रॉप बी लेवल पर और वन ड्रॉप डी लेवल पर। उसके बाद हम, ये हमारा एंटी सिरा ए है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ना, ये कमर्शली प्रिपेयर्ड मार्केट से आते हैं। इस पर ये फर्स्ट ए होता है, ये ब्लू कलर का होता है, इसको हम जहां हमने ए लेबल किया था उसके ऊपर वन ड्रॉप डालेंगे। सेकेंड होता है बी, ये येलो कलर का होता है, जहां हमने बी लेबल किया है वहां पर ऐड करेंगे। तीसरा है आर एस डी, ये कलर लेस होता है ना, तो इसको हमने जहां डी मार्क किया था वहां डालेंगे। ये डी वाला सिर्फ आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग स्टिक से सेफली मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे तरह करना है कि एक दूसरे में मिक्स ना हो। अब बी वाले को मिक्स करते हैं, उसके बाद हम ये डी वाले को मिक्स किए, उसके बाद हम इसको रोटेट करके देखेंगे। इसको दो मिनट तक नेक डाई से माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करना है। इसमें एग्लूटिनेशन शो करेगा, क्या है, रेड सेल में आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसे एग्लूटिनेशन बोलते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, बी में भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, आर एच में हुआ है, यानी आर एच में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, ए में भी नहीं है और बी में नहीं है तो ये दोनों ओ पॉजिटिव होगा। अगर ए में एग्लूटिनेशन होता है तो ए पॉजिटिव, बी में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो बी पॉजिटिव, दोनों में होता है तो ए बी पॉजिटिव, दोनों में नहीं है तभी ओ पॉजिटिव ना। इसी तरह नेगेटिव भी इसी तरह होता है, अगर ए में है, इसमें आर एच में नहीं आ रहा है, आर एच पॉजिटिव, अभी एग्लूटिनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो नेगेटिव है ना, अगर इसमें भी नहीं होता तो ओ नेगेटिव कहलाता है ये। ठीक है, अभी हम, ये था हमारा सेल ग्रुपिंग या फॉरवर्ड ग्रुपिंग। अब हम देखेंगे रिवर्स ग्रुपिंग और सीरम ग्रुपिंग। इसके लिए हम, इसमें क्या रहता है, सीरम ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज़ रहती हैं, और एंटीबॉडीज़ रहती हैं इसका हमें एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमें एंटीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो एंटीजन के लिए हमें ए सेल्स और बी सेल्स का पूल्ड सेल सस्पेंशन बनाना होता है। तो सबसे पहले हम दो ट्यूब लेते हैं, एक ए सेल्स लिख लिया, मार्क कर लिया है, दूसरे पर बी सेल्स मार्क करके रखे हैं, इस पर इस तरह रख लेते हैं। ये हमारे इसमें क्या है, पूल्ड सेल सस्पेंशन बनाना है तो तीन अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप हमें ऐड करना रहता है। जैसे कि ए और बी का हम बनाएंगे, ओ का भी बना सकते हैं हालांकि उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमने ये तीन ए के ग्रुप हैं, ये हमने मार्क करके रख लिए हैं, हमने इनका पहले टेस्ट कर चुके हैं, ये तीनों ए ग्रुप के हैं, ये रखे इधर, ये तो, और ये तीनों बी ग्रुप के हैं। ठीक है, अब इसमें हमें तीनों में से एक एक वन वन ड्रॉप हमें इसमें इस ट्यूब में डालना है, ए सेल्स में, ए ग्रुप का हमने एक उठाया, इसमें वन ड्रॉप सेल्स चाहिए हमको, तो वन ड्रॉप डाला हमने। इसके बाद हमने इसको वॉश किया अच्छे से,
इसके बाद दूसरा उठाया, ये भी ए ग्रुप का ही है, इसमें हम वन ड्रॉप सेल्स लेते हैं, वन ड्रॉप ही डालना है। ये देखो वन ड्रॉप लिया, बाकी इसमें ही डाल दिया हमने, इसको बंद करके रख दिया इधर। तीसरा भी ए ग्रुप का है, इसमें भी हमने वन ड्रॉप लिया सेल्स, ये ऐड कर दिया। अब इसी तरह हम एक ट्यूब ली थी हमने बी सेल्स के लिए, इसमें हमने बी अलग अलग ग्रुप के तीन लोगों के ऐड करना है, वन वन ड्रॉप ब्लड सेल्स। इसमें लिया हमने वन ड्रॉप डाला, ये हमने फर्स्ट का एक डाल लिया है, अब सेकंड का हम डालेंगे, इसका भी हमें वन ड्रॉप डालना है, वन ड्रॉप ऐड किया। तीन अलग अलग पर्सन के ग्रुप ले रहे हैं क्योंकि हम पूल्ड सेल सस्पेंशन बना रहे हैं ना, वो भी 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं रिवर्स ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये हमने ए सेल्स के लिए तीनों अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप के, ए ग्रुप के तीन व्यक्तियों के ब्लड एक एक डाल लिए, थ्री ड्रॉप इसमें, और बी सेल्स में तीन ना अलग अलग व्यक्तियों के बी ग्रुप के इसमें ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एनएस ऐड करेंगे। एनएस कितना ऐड करना है, मतलब तीन चौथाई, मतलब फुल ट्यूब है इसका, इतना भाग ऐड करना है, तीन भाग। ये हमारा नॉर्मल सलाइन है, एनएस है, इसको हम ट्यूब में तीन चौथाई यानी कि तीन भाग एनएस से भर देंगे। इसमें हम निकाल लिए हैं एनएस को कंटेनर में, इसको ये हो गया है, इतना भर लेना है एनएस। इसमें भी हम इसी तरह इसको पलटाने की कोशिश करें, क्या ठीक है, ये हमने एनएस को ऐड कर लिया है। अब क्योंकि हम इसको एनएस से सेल वॉश करेंगे थ्री टाइम्स, तो इसको 1000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसको 1000 आरपीएम पर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, आमने सामने बैलेंस बना के इसको ऑन कर देते हैं, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया है, इसको हमने 1000 आरपीएम पर 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया है। ये हमारा बी सेल्स है, इसके सामने हम, ये हमारा ये सेल्स है, ये देखो इसमें सेल्स पूरा सेटल डाउन हो गई है। और इसमें जो ऊपर का सुपरनेटेंट हिस्सा है ना, ये पूरा हम अलग कर देंगे ना, एनएस है इसको अलग कर देंगे, पूरा रिमूव करते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया है, ठीक है, इसमें जो सेल्स है सेटल डाउन हो जाती है, जो सुपरनेटेंट हिस्सा है ऊपर का उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको हम पिपेट की सहायता से या फिर ड्रॉपर से आप अलग कर सकते हैं। इसको 3 टाइम वॉश करना है, इसको अपन सेल वॉश बोलते हैं। ये हो गया, इसी तरह हम पी का रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें फिर से हम एक बार और एनएस डालते हैं क्योंकि हमें 3 टाइम को वॉश करना है। ये हमने डाल दिया एनएस, इसमें भी हम एनएस डाल रहे हैं, इसको हम फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2 मिनट के लिए 1000 आरपीएम पर। ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है, तीनों बार हमने एनएस से वॉश करके इसको सेल वॉश कर लिए। और जो हमारा ए सेल्स है इसका हम सुपरनेटेंट अलग कर देंगे। इसी तरह हमें तीनों स्टेप में अलग अलग हटाना है। ये हो गया,
और ये प्रॉपरली सब सेल्स ही बचनी चाहिए, पूरा जितना भी एनएसएस पूरा अलग कर दिए, रिमूव कर देते हैं। इसको टैप बटन से बॉस कर लें, है ना, क्योंकि ए का और बी में मिक्स नहीं होना चाहिए, या फिर अलग पिपेट यूज़ कर सकते हैं उसकी टिप्स। इसका भी हम इसी तरह, ये बी सेल्स है, इसको भी हमने 3 बार एनएस से बॉस कर लिए हैं। इसका भी हम ये सुपरनेटेड अलग कर देते हैं। इसका भी हम बनाएंगे 5% सेल सस्पेंशन फॉर रिवर्स ग्रुपिंग एंड सीरम ग्रुपिंग, है ना। ये हमारा है बी सेल्स और ये है हमारा ए सेल्स, है ना, ये सेल बॉस हो चुके हैं। अब इसके लिए हमें इसका 5% सेल सस्पेंशन बनाना है। इसके लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये फ्रेश टेस्ट ट्यूब है। इस पर हम लेबल करेंगे ए, ये ए मार्क किया हमने, और सेकंड पे बी अलग अलग मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। ये है ए एंड बी। अब इसके लिए हम इसमें ए सेल्स, 1 ड्रॉप ए सेल्स डालेंगे, ठीक है, 1 ड्रॉप ए सेल्स, छोटे ड्रॉपर, ये है बड़ा ड्रॉपर। जिस ड्रॉपर का आप यूज करोगे वही ड्रॉपर सेल्स के लिए एंड एनएस के लिए उसी ड्रॉपर का यूज करेंगे हम, तो अलग अलग ड्रॉपर यूज नहीं करना है। ये ए सेल्स है, इसका हम 1 ड्रॉप डालेंगे ए वाले ट्यूब में, ये हो गया। इसको बॉस कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद जो बी सेल्स पूल्ड सेल्स है, इसको हम 1 ड्रॉप लेंगे, इसका बी वाले में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं एनएस नॉर्मल सलाइन 19 ड्रॉप ऐड करना है। ये हमने इस कंटेनर में निकाल लिया है एनएस। इसमें हम काउंटिंग के इसी ड्रॉपर का हमने सेल्स के लिए यूज किया था, इसको वॉश करके अच्छे से एनएस के इसी ड्रॉपर से हम डालेंगे काउंटिंग से 19 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 19 ड्रॉप डल गए हैं। ये हमारा हो गया 5% पूल्ड सेल सस्पेंशन। इसमें भी हम 19 ड्रॉप ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप सेल्स पूल्ड सेल्स एंड 19 ड्रॉप एनएस। इसमें भी हमने 19 ड्रॉप ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा बन गया 5% पूल्ड सेल सस्पेंशन। अब इसका यूज करेंगे हम रिवर्स ग्रुपिंग में या सीरम ग्रुपिंग में। ये अब ये हटा देते हैं हम इधर। ये हमारा है पूल्ड सेल्स, 5% पूल्ड सेल्स ए एंड बी ग्रुप ना, इसमें है एंटीजन्स, ठीक है। और सीरम ग्रुपिंग में क्या होता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं ना, जैसे कि हमने ये कोई रेंडमली सैंपल लिया, इसमें जो प्लाज्मा सीरम है इसको हम, इसका हम ब्लड ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, रिवर्स ग्रुपिंग से। इस ना फॉरवर्ड ग्रुपिंग सेल को सेल से लेते हैं, इसमें हम सीरम का यूज करेंगे ना। इसका अक्सर यूज हमें हमेशा ब्लड बैंक में किया जाता है फॉर FFP एंड प्लेटलेट्स के लिए, प्लाज्मा के लिए, ठीक है। इसमें हम 1 ड्रॉप दो जगह जब मार्क कर लो ए एंड बी, फर्स्ट ए वाला सेकंड बी वाला, ठीक है। इसको हम मार्क भी कर लेते हैं से दिक्कत ना हो। ये हमने फर्स्ट किया ए एंड सेकंड बी मार्क कर लिया है, ठीक है। ये हमारा 5% सेल सस्पेंशन है, इसका भी हम 1 ड्रॉप ऐड करेंगे ए वाले ड्रॉप, ए वाले सीरम के ऊपर, ये ठीक है।
इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यह है बी, इसको हम ऐड करेंगे बी वाले सीरम पे। वन ड्रॉप ऐड किया, इसको बाद हम इसको स्टिक से मिक्स करेंगे। फर्स्ट हम ए को मिक्स करते हैं, सेकंड हम बी को, अब इसमें हम एग्लूटेशन देखेंगे। हालांकि लाइट है थोड़ा सा देखने में कैमरे से, तो दिखेगा कि नहीं। ना इसमें आरएच का पता नहीं चलता है, इसमें रिवर्स होता है। जैसे इसमें ए में एग्लूटेशन हो रहा है तो बी ग्रुप कहलाएगा, बी में एग्लूटेशन है तो ए ग्रुप कहलाएगा। ना सेल ग्रुपिंग से हमेशा अपोजिट चलता है, ठीक है। दोनों में एग्लूटेशन है ना तो ओ ग्रुप कहलाएगा, दोनों में नहीं है तो ए बी ग्रुप कहलाएगा। सेल ग्रुपिंग से जस्ट अपोजिट होता है ये। मिक्स करने के बाद दो मिनट बाद हम इसमें एग्लूटेशन देखेंगे, ना कम से कम दो मिनट तक हमें वेट करना है, रोटेट करते रहना है। उसके बाद देखो ये समय, ये है बी, ये ए, हमें बी में एग्लूटेशन दिखाई दे रहा है, यानी इसका रिवर्स में ए ग्रुप है, ठीक है। इसमें से ग्रुप का पता चलता है ए एंड बी, ए बी एंड ओ, आर एच का पता नहीं चलता है रिवर्स ग्रुपिंग में, है ना। इसमें बी में एग्लूटेशन हो रहा है तो हमारा ग्रुप होगा ए ग्रुप, अगर ए में एग्लूटेशन होता तो हमारा कहलाता बी ग्रुप, है ना। मतलब सेल ग्रुपिंग से अपोजिट चलता है, ए और बी में दोनों में हमें एग्लूटेशन देखने को मिलता तो हमारा कहलाता ओ ग्रुप, दोनों में नहीं है एग्लूटेशन तो हमारा ग्रुप कहलाएगा ए बी ग्रुप, ठीक है। ये देखिए इसमें बी में एग्लूटेशन हो रहा है तो हमारा ये ए ग्रुप कहलाएगा ना। इसका हम ऐसा मतलब प्लाज्मा के लिए यूज किया जाता है या फिर सीरम के लिए। ब्लड बैंक में इसका सबसे अहम रोल है, ठीक है। थैंक यू।